एक बजे के बाद ना ये उठा के ना पानी निकाल के वहाँ से सारी सफाई करवा लेंगे। हाँ हाँ मैं सुरेंद्र चौधरी कारपोरेटर शक्तिनगर वार्ड नंबर 29 से। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जम्मू के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता जी का, जिन्होंने हमारे माननीय एलजी मनोज सिन्हा जी से बात करके ये माई टोन माई प्राइड के तहत ये हमें बाग वे का एक तोहफा देने जा रहे हैं। जो जनता को ये कम से कम 31 दिसंबर से पहले पहले तैयार होके ये लोगों को हम तोहफा दे रहे हैं। लगभग 1,30,00,000 की लागत से ये तैयार सैरगाह तैयार होगी। ये एक सबसे मेरी बार की जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो ये सैरगाह रहेगी। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ चंद्रमोहन गुप्ता जी का, एलजी साहब का, अपनी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की पूरी टीम का, चाहे इंजीनियरिंग हो या मैडम हो या बाकी और भी जितने भी कर्मचारी हैं, सब लोगों ने इस काम में हमारी बहुत मदद की है। धन्यवाद, जय श्री राम। ग्रीन स्पेस का लगभग 1,30,00,000 का ये काम है। बड़ी तेजी के साथ ये काम आगे बढ़ रहा है। हमारे ऑनरेबल कॉर्पोरेटर वार्ड नंबर 29 सुरेंद्र चौधरी जी इसको रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारे इंजीनियरिंग विंग आशीष जी, जो हमारे AEE हैं, एक्शन साहब सारे और पूरा स्टाफ इनका, सुपरवाइजर नरेश वगैरह सारे इस काम को, ताकि एक ऐसा काम कि जो हमारे शिवनगर शक्तिनगर राजपुरा वासियों को, बक्शीनगर वालों को एक शहर का जो मिलेगी, क्योंकि कई हजारों सालों से लोग जो सामने गांधीनगर अखनूर रोड की तरफ सैरगाह थी, जो वहां सैर करते थे, पर वहां 4 लेन बढ़ने के कारण बड़ी दिक्कत आ रही है। इसलिए इस काम को रखा गया था, लगातार इस काम की मॉनिटरिंग करके ताकि जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करके लोगों के हवाले करें। काफी काम इसका हो गया है और मुझे आशा है कि 2-3 महीने के अंदर नवम्बर तक हम इसको बना के लोगों के हवाले करेंगे। खासकर जो हमारा वार्ड नंबर 29 है शक्तिनगर, हमारे जो महिला शक्ति है, मातृशक्ति है, उनको दूर जाने में दिक्कत आती थी हमारे बच्चों को, तो एक इसमें ओपन जिम लगेगा, क्रोपीज होगी, वॉक भी होगा, सैर करने के लिए प्लांटेशन होगी, लाइटिंग होगी, जिस किस्म का एक खूबसूरत ये स्ट्रेच बढ़ने के साथ वॉक भी बढ़ने से हमारा एरिया की खूबसूरती भी बढ़ेगी और आने वाले समय में हम और इसके आगे वाला जो एरिया है शिवनगर का उधर सुशान घाट की तरफ उसको भी कम्प्लीट करेंगे। पीछे भी एक शहर का बनी हुई है, शहर को कैसे बढ़िया खूबसूरत करना है इसके लिए स्मार्ट सिटी से भी हम लोग लगभग 18-19 स्मार्ट लैंडस्केपिंग कर रहे हैं ताकि शहर हरा भरा, ग्रीन और क्लीन मिले, उसकी तरफ आज जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बढ़ रहा है। मैं अपने इंजीनियरिंग विंग का बड़ा आभारी हूँ कि बड़ी मेहनत के साथ और लगन के साथ इस गर्मी में भी वो काम को करवा रहे हैं और खुद मॉनिटर कर रहे हैं।